तो आज हम गेहूं के आटे से बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनाएंगे। ये नाश्ता खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत ही कम टाइम लगता है इसको बनाने में, और बिना किसी मेहनत के बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। और इसको हम गेहूं के आटे से बनाएंगे, तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करे बनाना शुरू करते हैं। तो नाश्ता बनाने के लिए हम ले लेंगे 1 कटोरी गेहूँ का आटा, और उसके बाद इसके अंदर डाल देंगे 1/2 कटोरी सूजी या रवा, और उसके बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 बड़े चम्मच के करीब बेसन। तो 2 चम्मच मैंने इसके अंदर बेसन डाल दिया है, और अब हम इसके अंदर डाल देंगे हल्दी पाउडर। तो थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया है, और मैंने 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया है, और थोड़ा सा इसके अंदर डाल दिया है नमक। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 बड़े चम्मच के करीब तेल। तो 2 चम्मच हम इसके अंदर तेल डाल देंगे, और अपनी हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे सभी चीज़ों को। और हमको इसको एकदम अच्छे से मिक्स करना है, बिल्कुल इसी तरीके से। तो सभी चीज़ों को एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे इसी तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और फिर इसको अच्छे से मिलाएंगे, और एकदम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एकदम टाइट आटा लगा कर तैयार कर लेंगे। तो पानी हमको थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने इसका एक आटा लगा कर तैयार कर लिया है। तो अब हम इसको थोड़ा सा हाथ में लेंगे आटे को, और इस तरीके से बनाएंगे। आप देख सकते हो वीडियो में बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है। और अब हम इस पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए हमने पूरी निकालने वाला ये जो झारा आता है वो ले लिया है, और उस पर इस तरीके से रखेंगे और हल्के हाथों से दबाएंगे तो एक बहुत ही अच्छी डिज़ाइन बन जाती है इसके ऊपर। आपको एक और बनाकर दिखा देते हैं। तो थोड़ा सा हाथ में लेंगे और बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे, और बहुत ही जल्दी बन जाता है ये। और फिर इस पर डिज़ाइन बना लेंगे, और डिज़ाइन बनाने के लिए इसको एकदम हल्के हाथों से ही दबाएंगे तो हमारी डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाती है। तो अगर आपके पास डिज़ाइन बनाने के लिए वो पूरी निकालने वाला झारा नहीं है, तो आप चाकू की मदद से भी इस तरीके से डिज़ाइन बना सकते हो। चाकू से भी बहुत अच्छी डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाती है, आप देख सकते हो। तो इसी तरीके से हमने सभी नाश्ते को बना लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस पर मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तो तेल जैसे ही गर्म हो जाए, हमको ज़्यादा गर्म नहीं करना है, तेल को हल्का ही गर्म करना है। जैसे ही तेल हल्का गर्म हो जाए, तो उसके अंदर हम एक एक करके सभी नाश्ते को डाल देंगे, और इसे हमको फ्राई करना है एकदम लो टू मीडियम फ्लेम पर। और इसको हम जब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए और एकदम क्रिस्पी और खस्ता नहीं हो जाए। तो अच्छे से चलाते हुए इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हो हमारे नाश्ते का कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे निकाल लेंगे। तो मैंने सभी को एक प्लेट में निकाल लिया है। तो इसी तरीके से हमको सभी नाश्ते को फ्राई करना है, और ये जल्दी ही फ्राई हो जाता है। इनको फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी एकदम अच्छे से फ्राई हो जाता है ये। तो फ्रेंड्स, हमने सभी नाश्ते को फ्राई कर लिया और एक प्लेट में निकाल लिया और एक प्लेट में सर्व कर लिया है। और फ्रेंड्स, देख सकते हो हमारा नाश्ता बनकर तैयार है। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना, समोसे कचौरी से भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा आपको ये नाश्ता। और रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है।